दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना और आधार कार्ड का पीडीएफ का पासवर्ड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको वहां पर सर्च बार में टाइप करना है uidai.gov.in लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगा। तो वहाँ पर सबसे ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो वहाँ से आप लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इंग्लिश करता हूँ, हिंदी सेलेक्ट था, तो यहाँ से लैंग्वेज आपको पहले चेंज कर लेना है आप जिस भी लैंग्वेज में इस साइट को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पर मैं डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद आधार कार्ड का पीडीएफ के पासवर्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको गेट आधार का सेक्शन दिख रहा है, उसके नीचे आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए एक नया पेज लोड हो रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिख रहा है वेलकम टू माय आधार, उसके बाद फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको ऊपर में आपको यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है, उसके बाद एक कैप्चा देखकर यहाँ सेम टू सेम फिलअप कर देना है, उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना आधार नंबर इंटर कर लिया हूँ, कैप्चा इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर दिया हूँ। सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन में ओटीपी आ चुका है। अब हम ओटीपी को देख कर यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ओटीपी यहाँ पर शो हो रहा है, तो अब ओटीपी इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी जो था वो इंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको यहाँ पर मैं उस पीडीएफ का पासवर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपके फ़ोन में वो आधार कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड हो गया है, इसलिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पीडीएफ का पासवर्ड के बारे में समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनीश कुमार नाम है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो इसका ईयर है, तो यहाँ पर देखिए अनीश कुमार नाम है और इसका ईयर जो है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका पासवर्ड होना चाहिए, इसका नाम का पहला चार अक्षर जैसे कि अनीस, ANIS अनीस, उसके बाद उसका जो ईयर है वो। तो यहाँ पर आपको नाम का पहला चार अक्षर और उसका जन्म का जो साल है वो यहाँ पर देखकर इंटर करना है। तो आपका पीडीएफ का पासवर्ड यही होगा था। तो आपको चलिए प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना आधार कार्ड जो डाउनलोड किया हूँ उसका पीडीएफ का पासवर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा था, मेरा नाम विक्रम है, तो मेरा पहला चार अक्षर VIKR चार अक्षर लेने के बाद जो मेरा जन्म ईयर है वो यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, उसके बाद डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों आधार कार्ड ओपन होकर आ गया।